नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी आज की ये खास खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। अमित शाह ने भारत राज समिति प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा, आपने पिछले 9 साल तक ओवैसी के साथ बैठकर तेलंगाना मुक्ति संग्राम के सेनानियों के सपनों को तोड़ा। इस दौरान अमित शाह खम्मम में रायथू गोसा बीजेपी भरोसा रैली को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने एएमआईएम को रजाक्रो के रूप में संदर्भित करते हुए कहा, मैं केसीआर को बताना चाहता हूं कि तेलंगाना के युवाओं ने राज्य की मुक्ति के लिए अपनी जान दी है, न कि रजाक्रो के साथ बैठने के लिए। हैदराबाद के भारतीय राज्य में एकीकरण के समय रजाकर हैदराबाद निजाम का अर्धसैनिक स्वयंसेवी बलते ऐसा माना जाता है कि एएमआईएम की जड़ें उसी से जुड़ी हैं, जिसने हैदराबाद की मुक्ति का विरोध किया था। राज्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केसीआर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, केसीआर सोचते हैं कि अगर वे भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करेंगे तो भाजपा विद्रोह नहीं करेगी। उन्होंने हमारे नेताओं को तब गिरफ्तार किया जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने बड़ी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया, एलेटा राजेंद्र को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि केसीआर चाहते हैं कि उनके बाद उनके बेटे केटीआर राज्य की कमान संभाले। हालांकि अमित शाह ने कहा कि इस बार चुनाव ऐसा नहीं होगा। अमित शाह ने कहा, हम जानते हैं कि केसीआर केटीआर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार ना तो केसीआर होंगे और ना ही केटीआर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। राज्य में भाजपा सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस के बीच त्रिस्तरीय मुकाबला होने जा रहा है। तेलंगाना चुनाव 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और भारत गठबंधन के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में काम करेगा और देखा जाएगा कि किसमें कितनी ताकत है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अलायंस 2024 में पूरी तरीके से भाजपा को खदेड़ने का दमखम दिखा रही है। लेकिन इस तरफ भाजपा जो है राज्य दर राज्य अपनी कमान बढ़ा रही है, देखा जाए तो अपनी शक्ति यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा 2024 में क्या परिणाम आता है, जनता का क्या मूड होगा। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।